हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे पास है और एक नया चीज़। ओके, तो मैंने पिछली बार फ्लिपकार्ट से एक और एक प्रोडक्ट मंगाया था, तो आज उसका डिलीवरी आया, काफ़ी लेट हो गया। ओके, ये वाला प्रोडक्ट 12 दिन लग गया, मतलब 12 दिन के बाद मेरे पास आया है। ओके, जो दिवाली का टाइम चल रहा था ना, दिवाली पे फेस्टिवल टाइम पे सारे के सारे उसके ऑफिस भी बंद थे, तो ऑफिस क्लोज था, तो इसलिए उसका डिलीवरी मेरे पास बहुत लेट आया। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ निकलता है। ओके, ये उसका बिल देख लो, बिल 612 है। कैश ऑन डिलीवरी मैंने किया था तो आज आया है, और ये रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दिन में जो मैं आया था तो कॉलेज से आया था और ये वाले वीडियो बनाने के मूड पे नहीं था। ओके, पूरे के पूरे थक गया था तो मैं सो गया था, मतलब समझ रहे हो, कॉलेज से आया था तो सो गया था, थोड़ा सा मतलब थकान था, इसलिए मैं रात को ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। अगर थोड़ा सा मतलब साउंड आ रहा होगा, बैकग्राउंड नॉइज, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि फेस्टिवल टाइम ही चल रहा है ना। फेस्टिवल टाइम पे बाहर बहुत ही पटाखे लग रहा है और एक पूजा भी चल रहा है, जो काली पूजा जो होता है वो चल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब साउंड आ रहा होगा। ओके, तो इसको खोलते हैं और देखते हैं अंदर कौन सा चीज़ निकलता है। ओके, मैंने ये मंगाया था स्पार्क्स का जो सैंडल होता है ना, ब्लैक कलर वाला, वही तो मंगाया था। अंदर क्या चीज़ निकलता है देखते हैं। देखो, मैंने कहीं पे खोला भी नहीं है। ओके, पूरे के पूरे आपको दिखा रहा हूँ, पूरे के पूरे सील है ये, खोला बिल्कुल भी खोला नहीं है। मैंने सिर्फ ये वाला थोड़ा सा देख लिया था ओपन करके, और कुछ भी खोला नहीं, आपके सामने डायरेक्ट ही खोल रहा हूँ। ओके, तो किधर आज इससे खोलेंगे। चलो देखते हैं क्या हुआ। विमल बोलो जुबां केसरी। हाँ, ये निकल गया उसका, ये उसका ऊपर वाला जो बिल आता है, ये वाला बिल। ओके, तो पॉलीथिन को नीचे रखते हैं, और ये उसका पैकेजिंग, इतने छोटे से। अबे सैंडल मंगाया था भाई, ये स्लीपर लग रहा है मेरे को, जैसा ऐसा पैकेट आया है। देखते हैं खोल के, हो गया, आया है भाई। इसको ओपन करते हैं। मुझे पहले देखना पड़ेगा ओरिजिनल क्वालिटी का है या नहीं, ऐसे तो मतलब ओरिजिनल नहीं बोल सकते। इसका क्वालिटी को अगर मैं पहनूंगा तो ही पता चलेगा, हाथ पे पकड़ने पे हाँ लग, अच्छा है, सही है। पूरा का पूरा स्मेल मतलब गंदा वाला स्मेल आ रहा है, रबर का स्मेल आ रहा है। जूता तो है तो एक बार धोना पड़ेगा फिर पहनना पड़ेगा। ओके, नहीं तो पूरा का पूरा मतलब इसका कितना बदबू है, पूरे रबर का जो स्मेल आता है ना जूते से, वही वाला पूरा का पूरा निकल रहा है। ये डायरेक्ट फैक्ट्री से घर के अंदर आया है। ओके, और मैं ये वाला प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से देखा तो मेरे को लगा 612 रुपये। ओके, और ऑफलाइन पे देखा तो वो ऑफलाइन वाले बोल रहे थे कि 780 लगेगा, 780। ओके, 780 लगेगा, तो यही पूरे के पूरे सेम वाले को 780 बोल रहे थे, और मुझे ऐसा क्यों लगा कि शायद फ्लिपकार्ट से थोड़ा सा मतलब सही रेट में मिल जाए, या अगर मतलब फ्रॉड होगा या नहीं पता नहीं, पर मैंने और एक मतलब आपको पता होगा ये कितना मॉडल है, ये इसका मॉडल नंबर आपको दिखाता हूँ। ओके, रुको, इसका मॉडल नंबर है इधर देखो, इसका मॉडल नंबर है SS119। ओके, ये इसका मॉडल नंबर बोलते हैं, ये 9 नंबर वाला है, मेरे पैर काफ़ी बड़े हैं। ओके, पिछले वाले में जो पहन रहा था चप्पल था वो सैंडल था, वो भी स्पार्क्स का था, पर उसका कलर था ब्लैक एंड रेड। हाँ, मेरे को याद है ब्लैक एंड रेड था उसका कलर, तो दशहरा के टाइम पे वो वाला जूता मेरा खराब हो गया। ओके, दशहरा के टाइम पे वो वाला जूता मेरा खराब हो गया, तो मैंने सोचा कि एक नया वाला जूता मंगाते हैं और उसको ही पहनते हैं, तो स्पार्क्स का ही फिर से मंगा क्योंकि ये वाला जूता मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, ये पूरे के पूरे क्वालिटी अच्छा आता है स्पार्क्स का। पर ऑनलाइन पे से मैं कहीं कभी भी नहीं मंगाया था। ओके, ऑफलाइन से हमेशा मंगाता हूँ, पर पहली बार ऑनलाइन से मंगाए, देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि पिछली बार जो स्पार्क्स का था ना, तो वो मेरा पूरे का पूरा 3 साल लग गया, मतलब टूटने पे 3 साल, समझ रहे हो, कोरोना के टाइम 2 साल चला गया पहले से ही, और प्लस टू पढ़ने टाइम में जो मंगाया था 1 साल पहले मंगाया था। ओके, तो ये वाले जूते को देखते हैं, पहन के देखते हैं थोड़ा सा कैसा है। ओके, आपको मैं पहन के दिखाता हूँ कैसा है। ओके, लोग यार मतलब यूट्यूब पे फेस रिवील करते हैं, मैं अपना पैर रिवील करूँगा जूते पहन के, छोड़ो। ओके, तो मैं पहन के आपको बताता हूँ कैसा है। ओके, चलो फिर मैं अपना पैर दिखाता हूँ आपको, जूता देखो। ओके, तो इस टाइप का लग रहा है पैर पे, और साइज भी ठीक ठाक साइज, देखो आपको दिखाता हूँ इधर से थोड़ा सा घुमा के। ओके, इधर तक आता है साइज, पूरे के पूरे अच्छे से होता है, ये इलास्टिक का लगा है। ओके, ये इलास्टिक का है,
ये मुझे पहले लग रहा था ये थोड़ा सा एक्सपेंड कैसे होता है, ये इलास्टिक का लगा है और पीछे भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कंफर्ट लग रहा है। ओके अच्छा है। और ये वाले जूते अगर आप पहनोगे ना तो मतलब स्पार्क्स का ये वाला मॉडल, तो आप एक इंच हाइट ज़्यादा हो जाओगे। ओके जितने भी आपका हाइट है एक इंच ज़्यादा हाइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सोल है ये बहुत ही रबर का जो होता है प्लास्टिक रबर का कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही मोटा आता है, एक इंच हाइट का मोटा आता है। फिर भी कोई बात नहीं, हम तो इतने हाइट है और एक इंच हाइट हो जाएंगे। ओके दोनों तरफ से भी अच्छा है, पूरे के पूरे मैंने दो तीन बार जंप मार लिए। ओके दो तीन बार मैंने जंप मार लिया, क्योंकि अगर टूटना हो तो भाई अभी टूट जा, रिटर्न कर देंगे, नहीं तो बाद में रिटर्न नहीं कर सकते। ओके तो अच्छा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, कल से ये वाले जूते पहन के ही करने जाऊंगा मैं। ओके बहुत लेट कर दिया फ्लिपकार्ट वाले ने डिलीवरी अब की बार बहुत लेट कर दिया फ्लिपकार्ट वाले ने डिलीवरी यार बहुत लेट कर दिया। ओके ओके देखेंगे क्या होता है। आपने तो देख लिया जूते कैसे हैं मेरे पैर पे, कैसे दिखते हैं। ओके तो साइज ठीक ठाक सा है, पूरे 9 नंबर मेरे को अच्छा सा होता है। और मुझे पहले पहले लग रहा था कि ये जो पीछे वाला जो है ना, पीछे वाला देखो इधर कैमरा पे दिख रहा है, हाँ ये पीछे वाला मुझे पहले लग रहा था ये छोटा है क्या, पर ये इधर इलास्टिक का लगा है। ओके ये इलास्टिक का लगा है, तो आपको ये थोड़ा सा पहनोगे तो ये पीछे ये ऐसे मतलब खींच के आएगा। ओके तो स्पार्क्स का जूता बहुत ही अच्छा होता है। ओके इसका ग्लू भी बहुत ही स्टडी सा है, अगर आप पानी में भी भिगाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि पानी में आप भिगाओ। ओके ज़्यादा मत भिगाना, दिन में एक आधे बार धो देना तो सही है, ज़्यादा पानी में गीला मत करना, नहीं तो मैं जितना बोल रहा था मेरे पिछले जूते जो 3 साल के उतने नहीं जाएगा। ओके मेरे पिछले जूते 3 साल गए, क्योंकि मैंने ज़्यादा बाहर पहन के जाता हूँ तो वो आके खोल देता हूँ, पानी में ज़्यादा नहीं गीला नहीं करता। ओके मतलब कीचड़ में पैर नहीं लगाता। ओके अगर आपको ये वाले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना जरूर। ओके और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें खरीदूंगा आपको ये वाले वीडियो बना के सारे सारे दिखा दूंगा, क्योंकि अगर आपको भी उसी टाइप का कुछ चाहिए हो तो आप थोड़ा सा रिव्यू ले सको, देख सको। ओके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला जूता, और मैं पहन के भी कल कॉलेज जाने वाला हूँ ना, तो इसीलिए ये वाला जूता मंगाया था। स्लीपर पहन रहा था भाई, सच बता रहा हूँ स्लीपर पहन रहा था मैं। ओके तो 12 या 7 डेज तक मैं स्लीपर पहन के जा रहा था कॉलेज, खुद को ही बुरा लगता है भाई, क्या बताएं। ओके छोड़ो, तो देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर नीचे कमेंट करके बताना। ओके कमेंट करके बताना कि आप कौन से जूते पहनते हो। ओके अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी तक तो कमेंट करके नीचे जरूर बताना कि कौन से जूते आप पहनते हो। ओके और देखते हैं कितना दिन ये चलता है, क्योंकि पिछले वाले स्पार्क्स का जूता तो 2 साल 3 साल के ऊपर चल गया, ये वाला जूता अगर 1 साल भी चलेगा अच्छे से तो ही अच्छा है। ओके 612 रुपये का ये है। ओके तो देखते हैं, पर ये वाला अगर रेड कलर का होता ना, रेड कलर मेरा फेवरेट था, मतलब ब्लैक के साथ रेड कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता, ये वाला अगर रेड नहीं मिला, अगर रेड मिलता तो मैं जरूर लाता। ओके ओके थैंक यू।